हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू राजमहोत्रा आई एस अकेडमी इन आर टूडेज ऑफ एंड जोग्रफीमेंट वी गॉन टॉक अबाउट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट देर इज वन इम्पोर्टेंट केस लफारजी केस विच वी डील इन इट गेट सी वट इज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इनवायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उसकी असेसमेंट उसकी रिपोर्ट को क्या कहते हैं हम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट फॉर एग्जाम्पल इफ एक्स वाई जेड कंपनी वॉन्ट टू एस्टेब्लिश अ केमिकल इंडस्ट्री इन योर सिटी उसका जो इंपैक्ट होगा इकोसिस्टम या इनवायरमेंट पे उसकी असेसमेंट को कहते हैं इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट ओके वट आर दॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ दिस न्यू प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बी ऑन द सिटी विल बी नोन एज इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट सो

प्रॉब्लम यहां पर यह आती है कि अगर एक्स वेजेड कंपनी खुद ही इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करेगी दे विल मैन्यूपलेट द डाटा एंड कहीं ना कहीं वो जो रिपोर्ट होगी वो बायस होगी कि ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होना चाहिए वी वोंट हैव द क्लियर मतलब क्लियर पिक्चर ऑफ दैट प्रोजेक्ट बट अब ऐसा एक केस आया जुलाई टू थाउजेंड इलेवन में जिसे हम कहते हैं लफारजी केस माइनिंग केस दिस माइनिंग इंडस्ट्री पर्टिकुलरली इन दिस केस द एपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट भैया सेंटर यू शुड स्टार्ट इन टू थाउजेंड इलेवन दिस की भैया यू शुड मेक अ नेशनल रेगुलेटरी बॉडी एंड दिस बॉडी विल कंडक्ट दिस इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट ठीक है जी अब हुआ यह कि टू थाउजेंड फोर्टीन तक गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया तो so, 2014 में अगेन द सुप्रीम कोर्ट सेड व्हाट यू हैव डन टिल नाउ सेंड मी द रिपोर्ट अब सेंटर क्या कहती है सेंटर सेज दैट यू हैव सेड कि भैया दिस इज अ सजेशन दिस इज अ सजेशन फ्रॉम योर पार्ट इट इज नॉट अ ऑर्डर दैट वी शुड इंप्लीमेंट बट राइट नाउ वी आर टेकिंग कंसर्न अबाउट इट एंड वी आर थिंकिंग टू मेक such बॉडी बट अब 2014 की बात हुई अब 2020 में वन पी आई एल वॉज फाइल्ड एंड इन दैट सुप्रीम कोर्ट सिक्स एक्सप्लेनेशन फ्रॉम सेंटर कि तुमने अभी तक नेशनल रेगुलेटरी बॉडी क्यों नहीं बनाई फॉर दिस इंपैक्ट असेसमेंट ठीक है जी तो अब करंटली यह केस चल रहा है पी आई एल के ऊपर अभी केस चल रहा है लेट सी वट गी द आउटकम ऑफ दिस बट वाई इम्पैक्ट असेसमेंट इज नेरी बिकॉज कहीं ना कहीं एक डिसीजन में ट्रांसपेरेंसी कहीं ना कहीं एक जो आपके प्रोजेक्ट है उसके अंदर क्या आ सकती है ट्रांसपेरेंसी आ सकती है अगर हम कहीं एक प्रोजेक्ट को क्रेडिबिलिटी क्रेडिबिलिटी मिल सकती है इफ वी हैव दिस प्रॉपर मतलब एक अनबायस्ड अगर आपके पास इन इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट है तो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट को लेजिटमेसी, क्रेडिबिलिटी ट्रांसपेरेंसी मिल सकती है कहीं ना कहीं हम कंट्रोल कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी पे जो भी इम्पैक्ट है जो भी इम्पैक्ट है किसी भी इन्वायरमेंटल uh, मतलब किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का कहीं ना कहीं हम उसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं जो इंपैक्ट है पॉसिबल इकोसिस्टम पे ठीक है जी उसको कहीं ना कहीं हम रिस्ट्रोइन कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें वेस्टर्न घाट में वी आर सींग लॉट ऑफ ट्रबुलेंस मतलब कहीं ना कहीं कभी आपके केरला में फ्लड आ जाते हैं कभी मुंबई में फ्लड तो ये दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ जो कहीं ना कहीं हम डेवलपमेंट वर्क वेस्टर्न घाट में कर रहे हैं उसकी वजह से है तो अगर हम प्रॉपर एक अच्छी इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट देंगे तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबल जो हमारे डैमेज है इन्वायरमेंट को हम कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं एंड वट विल बी द पॉसिबल आपका क्या कहते हैं कंक्लूजन फॉर दिस यू कैन से द गवर्मेंट द गवर्नमेंट मस्ट रेकोग्नाइज द गवर्नमेंट मस्ट रेकोग्नाइज मतलब गवर्नमेंट को पहचाननी चाहिए द लिमिट्स टू लिमिट्स टू वट लिमिट्स टू दिस अन सस्टेनेबल ग्रोथ मतलब कि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं जैसे महात्मा गांधी ने कहा था लाइक देर इज एनफ फॉर एवरी नीड बट नॉट फॉर एनी वन ग्रीड तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि भैया गवर्नमेंट मस्ट रेकोग्नाइज कि ये जो अनसस्टेनेबल ग्रोथ है कहीं फ्यूचर में हमें कहीं नहीं लेके जाएगी एंड वाई वी आर ब्लेमिंग गवर्नमेंट बिकॉज गवर्नमेंट अभी के टाइम पे अगर हम बात करें एक 2014 की सॉरी टू थाउजेंड ट्वेंटी की ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है अबाउट इंपैक्ट असेसमेंट अबाउट इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट एंड कहीं ना कहीं यहां पर इस ड्राफ्ट मतलब जो पॉलिसी uh, है इसमें कम्युनिटी के कम्युनिटी के कंसर्न्स को निगलेक्ट किया गया है कहीं ना कहीं उनकी जो वॉइस है उसको दबाने की कोशिश की गई है बिकॉज गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू हैव दिस बट अगर आप बिजनेस पे ही फोकस करते रहेंगे तो इंपैक्ट कही कहीं ना कहीं टॉस गॉन फॉर टॉस एंड अगर इन्वायरमेंट आपका कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है तो आप यह समझिए कि वी हैव अ मिलियंस ऑफ पीपल कहीं ना कहीं मिलियंस ऑफ पीपल है और उनके ऊपर हेल्थ कॉन्सिक्वेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे दैट्स इंपैक्ट और कहीं ना कहीं इसे गवर्नमेंट को अब सीरियसली लेना चाहिए तो आज के डिस्कशन में हमने देखा एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट और उससे रिलेटेड एक हिंदू का एडिटोरियल था जिसको मैंने आज डिस्कस किया है आई होप यू लाइक दिस डिस्कशन थैंक यू थैंक यू वेरी मच